तो संविधान को दोबारा लिखवाइए, नए नए मुद्दे। अब आप देख रहे हैं हमारे नक्सलाइट्स, हिंदुस्तान का 1/3 हिस्सा इस संविधान को नहीं मानता। आप नक्सलाइट और इसमें माओइज्म जिसको भी ये फैला रहे हैं, हमारी छोटी छोटी लड़कियां वहां बंधु के लिए खड़ी, वहां कोई संविधान नहीं चल रहा है। ये संविधान दोबारा लिखना चाहिए, इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए। सुन लो अच्छी तरह से, क्योंकि पढ़ने से तो फिर लिख के दो ना कि मैंने लिख रखा है, इसे लागू करो। प्रोफेसर साहब, लड़ने की बात नहीं है, समाज में अगर एक बात आती है तो व्यक्ति को सिद्ध करना चाहिए कि ये चीज ऐसे है। ये मेरे विचार है। नहीं, आपके विचार कैसे हैं? सबके विचार सब पे लागू हो रहे हैं आपके विचार। पहले कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए कि बाबा साहब ने क्या कहा था कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद, उसके बाद आप बताइए कि इसे बदला जाए। आप 10% पे बोले, 10% पे क्या, मैं तो 50% पे भी बोलूंगा। मैं कहा कि इसकी बात कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना कि सुप्रीम कोर्ट कौन होती है जो 50.5% आरक्षण फिक्स करके रखती है जनता समाज के लिए। कहा लिखा संविधान में ऐसा? कोई प्रावधान नहीं है। ये कोई बात नहीं होती, दो लोग आपस में बात कर लीजिए फिर। देखिए साथियों, दूसरा आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं आया अभी तक कि ईवीएम से छेड़छाड़, एक भी कोई कह दे कि इससे छेड़छाड़। अरे सर, आप चिंता मत करो, मैं बदलने वाला नहीं हूँ और मैं समझता हूँ किसमें कितनी समझ है, कोई क्या कह रहा, इतना मैं समझ रहा हूँ सारी चीज। जिस दिन इस चीज की समझ आ जाएगी कि संविधान क्या है, जो व्यक्ति उसे पढ़ लेगा, इस देश की व्यवस्था को समझ लेगा, वो इन आरएसएस वालों के विरोध में खड़ा होगा, संविधान के विरोध में बात नहीं करेगा। यही तो दिक्कत हो रही है कि कोई समझता नहीं है, बात तो इधर से उधर ले जा रहे हैं। लड़ाई जहां पर है, चिड़िया की आंख नजर नहीं आती, चिड़िया की आंख जो नजर आ रही है उस पर नजर रखो, सिर्फ उसी को खत्म करना।